यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स की लास्ट वीडियो है। अगर आप मेरी वीडियो से कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और एसएमपीआर से। आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बेसिक कंप्यूटर में स्टार्टिंग से जो भी सिखाया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट मेरे से लाइव कंप्यूटर क्लास सीखते हैं उनके जो भी डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर कराया गया है, और मैंने उन सभी स्टूडेंट से बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो देख करके कंप्यूटर सीखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कंप्यूटर ऑल हार्डवेयर पार्ट के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं, एक या फिर एक कंप्यूटर बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। और मैंने आपको बताया था मेमोरी कैलकुलेशंस, जिसमें बिट, बाइट, एमबी, जीबी, टीबी, ये सब क्या होता है, और कंप्यूटर में मेमोरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर। तो ये क्या होता है और किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। और बाकी अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा, या और भी आप चाहते हो कि मुझे कंप्यूटर फंडामेंटल के और भी जानकारी चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सारी जानकारी होती है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बीच में एक बार बताया था किसी वीडियो में, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मेरे पास एक पीडीएफ बना हुआ है, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर ग्रुप में पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल का, जो मेरे पास बना हुआ है, तो उसमें से एक बार आप रीड कर लेना, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो आप। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे बाइनरी नंबर। ये दिया हुआ बाइनरी नंबर, देखिए बाइनरी नंबर क्या होता है मैं आपको अलग से बता दूँ। बाइनरी नंबर में सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 और 1, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। द नंबर सिस्टम विच हैज बेस 2, ठीक है, मतलब यहाँ बाइनरी नंबर के अंदर इसका जो बेस होता है सिर्फ 2 ही होता है, या इसके अंदर जो भी नंबर होते हैं सिर्फ 2 ही होते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया भी 0 और 1, तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या लिया हुआ है, विच हैज बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, 2 रिप्रेजेंट ए नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो इन बाइनरी नंबर सिस्टम से एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 कैन बी यूज। देखिए बाइनरी नंबर के अंदर जो नंबर आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होना बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है 0 और 1। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 कैन बी यूज। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए इसमें 1101 चार नंबर यहाँ पे बनाया गया है, ये लिखा है ना, टू रिप्रेजेंट ए नंबर, बाइनरी नंबर का यूज करके यहाँ पे हमने नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसमें क्या है 1101, तो ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, 1101 ये भी हमारा बाइनरी है, 1100 ये भी हमारा एक बाइनरी नंबर है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 0 और 1 से मिलकर बनता है वो हमारा एक बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये दिया हुआ डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है मैं आप लोगों को अलग से बता दूं, 0 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दिस सिस्टम 10 डिजिट आर यूज, एग्जांपल 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है एंड 9 तक। ठीक है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है डेसिमल नंबर के अंदर हमारे 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर होते हैं, जो भी बीच में नंबर होते हैं या लास्ट 9 तक, वो हमारा डेसिमल नंबर होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है दिज डिजिट्स रिप्रेजेंट देयर एब्सोल्युटली वैल्यू। देखो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना, इन सभी नंबर का यूज करके आप कोई भी एब्सोल्युटली वैल्यू
रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब जो भी नंबर आपको दिखाना हो आप दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे बाइनरी में क्या होता है, उसमें हम जीरो और वन यूज करते हैं, सिर्फ दो दो ही उसका बेस होता है। लेकिन डेसिमल का क्या होता है, इसका टेंथ बेस होता है। इसका यहाँ पे दिया हुआ है, द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 10। इसके अंदर हमारे 10 नंबर आते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो इन सभी नंबर का यूज करके आप कोई भी एब्सोल्युटली वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, 1304 1786 1560 etc। तो आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो डेसिमल नंबर का यूज करके आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है, 0 से 9 तक के बीच में जितने भी नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे हमारे डेसिमल नंबर हैं, ठीक है। और बाइनरी में सिर्फ हमारे दो ही नंबर आते हैं, 0 और 1। तो इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है, कन्वर्सन बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अगर हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल 1 में दिया हुआ है कि द बाइनरी नंबर 1100 इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज करना है। तो पहले मैं आपको अलग से बता दूँ, कभी भी आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा ना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1100 है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और ये हमारा है बाइनरी में, ठीक है, 0 और 1 से मिला के बना हुआ है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 टाइप किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि कितने नंबर है, उतना ही यहाँ पे पावर आपको दिखाना होता है। तो 2 की पावर यहाँ पे 3 हो गया, प्लस ये दूसरा दिया है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि हमें बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दूसरा नंबर हो गया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और यहाँ पे इसके बाद कितने नंबर है, 2, तो 2 पावर हो गया हमारा, प्लस फिर इसके बाद 0 है मल्टीप्लाई 2, इसके बाद एक ही नंबर है, तो यहाँ पे हो गया 1, प्लस करके फिर यहाँ पे लास्ट में 0 मल्टीप्लाई 2, लास्ट में इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या आएगा, 0 पावर। और याद रखना, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पर 2 की पावर 0 होता है उसका मान्य होता है आपका 1, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ अलग से। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 1 का 1 हो गया, 2 की पावर 3 यहाँ पे 8 हो गया, जब आप इसको ओपन करोगे 2 × 4 और 4 × 8 है। फिर यहाँ पे प्लस आ गया 1 का 1, और ये आप लोगों को पता होगा, जिनको मैथ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 4 यहाँ पे हो चुका है, और ये हो गया मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे प्लस आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ भी आपका प्लस ही होगा, वो गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। ये 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 2 × 2 = 2, एक सिंगल पावर है, प्लस 0 और 2 की पावर यहाँ पे 0 है, तो इसका मान्य कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 सीधा डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको ईजी कर दिया मैंने, प्लस फिर यहाँ पे इसको ईजी किया, तो ये आ गया 4, फिर यहाँ पे आ गया प्लस, ये वाला यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आएगा प्लस आएगा, ठीक है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, प्लस फिर लास्ट में क्या है, 0 × 1, तो इसका भी माने 0 आएगा, तो 8 + 4 बाकी जब 0 0 है, तो ये हो गया 12। तो 1100 बाइनरी नंबर का जो डेसिमल नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा 12, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि द बाइनरी नंबर 1100 इज इक्वलेंट टू डेसिमल नंबर 12। जो हमारा 1100 बाइनरी नंबर है ये डेसिमल नंबर 12 के इक्वल है बिल्कुल, ठीक है। और एक कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई नंबर टाइप करते हैं, जैसे वो हमने 1 2 टाइप किया अपने कीबोर्ड से, तो कंप्यूटर का जो एक्सेप्ट करता है वो क्या करता है, 1100 एक्सेप्ट करता है। फिर उसके अंदर जो प्रोग्राम लगे होते हैं, जैसे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे लैंग्वेज में दोबारा कन्वर्ट करते हैं। फिर जैसे हमने 12 प्रेस किया, तो विंडोज़ के अंदर होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तो वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं 1100, कंप्यूटर सिर्फ इतना ही समझता है, ठीक है। फिर दोबारा से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले पे वो आउटपुट करता है, तो ठीक है। तो जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, विंडोज वगैरह जो होता है ना डला हुआ कंप्यूटर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक वर्क करता है वो, ठीक है। तो वो हमें दिखाई नहीं देता, वो सारे इंटरनल वर्क होते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हम यहाँ पे जो खुद से कर रहे हैं ना, ये सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। देखिए ये तो हो गया 12 का। एक और नंबर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1011, ये भी हमारा एक बाइनरी नंबर है, और इसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। जैसे 1 हो गया पहला नंबर,
मल्टीप्लाई कर दिया हमने दो से, और इसके बाद वन के बाद कितने नंबर है, थ्री, तो यहाँ पे थ्री पावर हो गया प्लस से, यहाँ पे जीरो हो गया मल्टीप्लाई कर दिया हमने टू से, फिर इसके बाद कितने नंबर है दो, तो इसके ऊपर मैंने दो पावर चढ़ा दिया, फिर यहाँ पे प्लस, ये हो गया वन, वन के बाद कितना नंबर है एक है, तो मल्टीप्लाई टू करके वन पावर हो गया प्लस, फिर वन आ गया मल्टीप्लाई टू कर दिया, और इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है तो पावर जीरो, और दो की पावर जहाँ पे जीरो होता है उसका मान होता है वन, तो यहाँ पे आगे हमने दिया हुआ है, यहाँ पे इसको इजी कर दिया ना, तो वन का वन मल्टीप्लाई और टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो इसको हमने इजी कर दिया तो कितना हो गया एट हो गया, प्लस जीरो और दो दूना चार, और यहाँ पे ये यहाँ भी गलत मिस्टेक किया हुआ है मैंने, ये हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, ये हो गया वन मल्टीप्लाई टू, और टू की पावर वन है तो वहाँ पे टू ही आएगा, और प्लस वन और मल्टीप्लाई टू की पावर जीरो है तो इसका मान क्या होता है वन होता है, तो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, इसका इजी कर दिया तो यहाँ पे हो गया एट, और फिर प्लस जीरो को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, फिर ये आ गया प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, ये गलती से यहाँ पे हो गया है मल्टीप्लाई, तो ये हमारा प्लस आएगा, तो ये प्लस आ गया, टू मल्टीप्लाई वन तो टू आ गया, और प्लस वन मल्टीप्लाई वन तो वन आ गया, तो एट टू टेन और वन तो ये इलेवन हो गया, 1011 बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या होता है हमारा 11, तो नीचे यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है कि द बाइनरी नंबर 1011 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 11, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें टू से डिवाइड करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमें अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो टू से डिवाइड करना है, ठीक है, अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो टू से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्सन डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, अब यहाँ पर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, तो मैंने यहाँ पे वही सेम नंबर लिया हुआ है ताकि इसका जो बाइनरी नंबर आएगा वो हमारा बिल्कुल मैच हो जो हमने पहले लिया था नंबर, ठीक है, तो टू से डिवाइड करना है तो क्या आप ये देखिए टू को यहाँ पे छः से काट दिया जीरो हो गया हमारा, ठीक है, फिर दो दिया छः, फिर यहाँ पे जीरो आ गया, दो एकम दो तो यहाँ पे दो हो गया ना, और नीचे एक आ गया हमारा इसका शेष है, और इसका नंबर को जो हम ना नीचे से काउंट करेंगे 1100, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि द डेसिमल नंबर 12 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर 1100, ठीक है, तो जो भी हम दो से डिवाइड करेंगे ना तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो नीचे से नंबर काउंट करेंगे ऊपर से नहीं, ठीक है, अगर हमें बाइनरी में दिखाना होगा तो ये हमारा नीचे से काउंट हो रहा है 1100, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, तो 12 का बाइनरी नंबर जो हो गया हमारा 1100, ठीक है, और ये हमारा डेसिमल नंबर है और ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी में क्या है सिंपली 1100 ही आता है सिर्फ बाइनरी में। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ 9 का ये हमारा डेसिमल नंबर है तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो देख लीजिए 2 चौके 8 एक इसका शेष बचा यहाँ पे लिख दिया मैंने, 2 दूना 4 कुछ नहीं आया 0, 2 एकम 2 नीचे आ गया ना और कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 आ गया, जो यहाँ पे लास्ट में बचा हुआ है वो इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, 1001, तो 9 का बाइनरी नंबर जो हो गया हमारा ये दिया हुआ है 1001, तो द डेसिमल नंबर 9 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर 1001, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये तो हमने पहली दूसरी क्लास में सीखा था डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और पावर हमें यहाँ पे चढ़ाना पड़ता है जितने यहाँ पे नंबर होते हैं बाद में, ठीक है, पहला नंबर लिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके बाद 3 पावर इसलिए चढ़ा है क्योंकि इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर है, तो वैसे यहाँ पे सब में दिया हुआ है, और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, सिर्फ इतना याद हो जाएगा तो आप कभी भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कंप्यूटर फंडामेंटल का, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, फंडामेंटल तो बहुत ही बड़ा होता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये जिस तरीके से एक्सेल होता है हमारा एक्सेल, तो कंप्यूटर फंडामेंटल तो पूरी कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो ये हमारा बेसिक का लास्ट टॉपिक था, और एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोगों को, जब मैंने 18 जनवरी को स्टार्ट किया था बेसिक कंप्यूटर तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था, और आज जो टॉपिक मैंने करा दिया है लास्ट बेसिक कंप्यूटर में तो उसमें से क्या क्या हो गया और क्या नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को उससे पूछ लेता हूँ एक बार कि जो मैंने अभी बताया है क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अच्छा आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर बाइनरी और डेसिमल का यूज कैसे करते हैं?
बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर क्या होता है और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, समझ आ गया ना? ठीक है, अभी किसने कहा नो सर? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा रिपीट कर दूं, तो आप ऐसा करो ना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो। हाँ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं कर। हेलो, कोई बच्चा आ गया क्या बीच में? यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसमें जैसे ये हमारा है बाइनरी नंबर, तो कभी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो एक बार पहला मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे, हेलो, अरे यार, जैसे यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया, तो हमें क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2। और ये जो 3 पावर है ना, जो हमने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ देखना होता है कि कितने नंबर है, तो 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 पावर हो गया। फिर दूसरा नंबर टाइप करने से पहले हमें प्लस लगाना होता है, तो 1 हो गया दूसरा नंबर, मल्टीप्लाई कर दिया 2, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद 2 दो पावर इसके ऊपर, क्योंकि इसके बाद 2 जीरो है, यानी कि 2 नंबर यहाँ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 पावर। फिर इसके बाद क्या आएगा, दोबारा से प्लस आएगा, फिर ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 2, इसके बाद क्या है, 1 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 पावर, अब प्लस, फिर यहाँ पे हो गया 0, अब मल्टीप्लाई 2, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इसकी पावर हो गया 0, ठीक है। और जहाँ भी इसका, जब इसको जब इजी करोगे तो याद रखना, जहाँ पे 0, 2 की पावर 0 है, तो उसका मान्य होता है 1, यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका निकल जाएगा फिर, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अब वैसे ही यहाँ पे डिवाइड कर देना, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो ये हमारा जो 2 है ये डेसिमल नंबर है, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, तो इसमें नंबर हम नीचे से काउंट करते हैं डेसिमल में, बाइनरी में दिखाने के लिए, जैसे 1100, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि द डेसिमल नंबर 12 इज इक्वल एन टू बाइनरी नंबर 100, तो खुद कर लेना एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ आपका सिलेबस, जो मैंने स्टार्टिंग में 18 जनवरी को बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ बैक, आ जाता हूँ इससे, एस्केप की प्रेस करके, और यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं सिलेबस जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था। देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ये देखिए ये वही पेज है जब मैंने पहले दिन स्टार्ट किया था बेसिक कंप्यूटर कोर्स। मैंने पहले तो आप लोगों को बताया था कि ADCA कोर्स में क्या क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था पहला बेसिक के बारे में, उसके बाद मैंने और भी कोर्सेज के बारे में बताया था, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था चैप्टर 1 के अंदर मैं आप लोग कराऊंगा पेंट, नोटपैड और वर्डपैड, तो ये सब क्लियर हो चुका है, और किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है, कोई इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन हो कभी पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 मैंने आपको बताया था कंप्यूटर फंडामेंटल, तो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरा जो काम था कि मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिकल कराऊं, मैंने लास्ट में कराया कंप्यूटर फंडामेंटल, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी होता है, तो अगर मैं इसी में 10-15 दिन खींच देता तो काफ़ी हमारा समय लॉस हो जाता, तो मैंने इसके बारे में बता दिया लास्ट में ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, और जितना भी आपने सीखा हुआ है अब तक प्रैक्टिकल में, तो उसको सीखने के बाद जब आपने इसे सीखा है तो जो भी मैंने इसमें बताया हुआ है आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब हो गया क्लियर हमारा, ये व्हाट इज कंप्यूटर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तो ये हमारा मेन मेन टॉपिक दिया हुआ है। ये दिया है चैप्टर 3 MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। चैप्टर 4 में तो पूरा इंटरनेट ही होता है, इंटरनेट में सारी चीज़ें होती हैं, ईमेल, डाउनलोडिंग, सर्फिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म, बिल पेमेंट, ठीक है, तो ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो अगर किसी को डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं। हाँ हैंड दे दो सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ खुशी क्या हुआ? सर आउटलुक टॉपिक आपने नहीं बताया। आउटलुक नहीं बताया मैंने, आउटलुक बताया था ये वाला टॉपिक, इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बाद मेलिंग करेगी इसके अंदर। आउटलुक जो होता है अकाउंट बनाने के बाद कुछ करना थोड़ी है उसके अंदर, ये क्या है, द एक्शन ओनली वेरी प्रोडक्ट वेरेंटली इंस्टॉल्ड। आउटलुक बंद है क्या मेरा? बंद है, इसमें इनेबल करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा इसका। तो आउटलुक जो होता है ना वो मेलिंग के लिए होता है, मेल करने के लिए किसी को भी। जब आप आउटलुक ओपन करोगे ना तो आपने अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम किया हुआ है तो आउटलुक एक बार ओपन करते ही आप उसमें समझ जाओगे कहाँ पे कौन सी चीज़ दी हुई है। सेम वही चीज़ होता है
जो हमने वर्ड में काम किया हुआ है, एक्सेल में काम किया हुआ है, तो उसके अंदर जो फीचर्स आपको मिलेगा ना, वर्ड वाला ही आपको मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि उसमें कोई मैथमेटिकल वर्क नहीं करना पड़ता है, तो एक्सेल का नहीं होता उसके अंदर। और एक्सेल के फीचर ऐसे दिए हुए हैं कि आप कोई भी ऐसा डाटा बना सकते हो आउटलुक के अंदर, ऐसा नहीं है। आउटलुक पे अकाउंट बनाना मैं आप लोग को सिखा दिया था, और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो मेल करते हैं तो किसी के पास मेल कैसे जाता है, ठीक है, वो भी मैंने आप लोग दिखा दिया था मेल मर्ज में एमएस वर्ड के अंदर। तो इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक बार ओपन कर लेना। लेकिन ओपन करने के लिए ना पहले इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बनाने का मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है और मैंने बता भी रखा है कि कैसे अकाउंट बनाते हैं। ओके हाँ, तो इसमें कुछ नहीं, मेल करना पड़ता है सिर्फ। आउटलुक का यूज कर लोगे ना आप लोग, पहले तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जिनको भी यूज करना पड़ेगा ना पहले अकाउंट पे बना लेना पहले। और किसी को अकाउंट अगर बनाने नहीं आता है तो मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में वीडियो दे दूंगा, उससे देख करके बना लेना अकाउंट, ठीक है। हाँ, तो मेलिंग के लिए होता है सिर्फ। और लास्ट में इंटरनेट तो मैंने आप लोग बता दिया सारा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या कंप्यूटर के बारे में, कोई टॉपिक कुछ तो याद होगा, इतना सारा पढ़ाया मैंने, किसी को कोई तो कुछ तो डाउट होगा किसी को, क्या हुआ, सभी बहुत अच्छे पढ़ते हैं भाई, किसी को कोई डाउट ही नहीं है तो सभी। तीन टॉपिक डाटा टाइप में, वो आपने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। डाटा टाइप के कौन सा, किसका सर? मैनेज डाटा सोर्स, ये सब था कोई टॉपिक। फंडामेंटल में सर छूटा था सर, फंडामेंटल में कल जो छोड़े थे ना सर, मैंने डाटा सोर्स कल का टॉपिक है, कब एक्सेल में, एक्सेल में मैंने डाटा सोर्स उसके अंदर होता है, वर्ड में होता है, वर्ड में जो मैंने बताया था ना वो एक, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डाटा सोर्स मैं दिखा देता हूँ, वर्ड ओपन कर रहा हूँ मैं अभी, मैनेज डाटा सोर्स वो तो उसी में होता है, वर्ड में ही तो होता है, यहाँ पे दिया इसमें रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस में ये है, कहाँ दिया है, ये रहा मैनेज सोर्स होता है, मैनेज सोर्स है। इंसर्ट कैप्शन वो तो फिगर नंबर देने के लिए होता है, फिगर नंबर टेबल नंबर देने के लिए होता है, तो जिसको नहीं आता है वो देख लेना। एक्सेल में बोल रहे, एक्सेल भी ओपन कर लेता हूँ। हाँ, एक्सेल के कोई दो तीन टॉपिक्स है उसमें, कुछ एडवांस चीज़ें हैं, तो मैंने उसके लिए बताया था कि मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा, तो बीच में तो टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं बना दूंगा उसका वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा आपको नहीं आया था? डाटा टैब के अंदर तो मैंने बता रखा है सब, कौन सा बता रहे हो आप? मैनेज डाटा मॉडल। मैनेज डाटा मॉडल कहाँ है? What even analysis? Manage data. ये डाटा टेबल रिलेशनशिप, अच्छा इसके साथ ये ना पावर टेबल के साथ यूज करना पड़ता है इसका, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा बड़ा है काफी, इसके लिए डाटा एक मुझे एक बनाना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा इसके बारे में। तो डाटा मैंने बनाया नहीं, एक वीडियो बना के डाल दूंगा इसके बारे में, मैंने डाटा टूट का, मैंने डाटा मॉडल है, ठीक है। तो एक डाटा मैं बना करके इसके बारे में समझा दूंगा अच्छे से, एक वीडियो शेयर कर दूंगा उसमें देख लेना आप, ठीक है। हाँ, पावर टेबल के साथ यूज करना पड़ता है उसका। और कुछ पूछो इसमें, पहले पावर पॉइंट में, वर्ड में, एक्सेल में। मैं एक बार ऐसा ना मैं पूछता हूँ कुछ आप लोगों से, बहुत आप लोग नहीं पूछ, कोई बात नहीं, मैं भी ज़रा पूछ लेता हूँ आप लोगों से। अच्छा, कोई बता सकते हैं साइज क्या है इस पेपर साइज कौन सा है हमारे सामने जो मैंने वर्ड ओपन किया हुआ है? A4 size. कैसे चेक करेंगे सर? यहाँ पे दिया हुआ है ना, किसमें? YouTube में जाके, YouTube में भी जाके, या मेल, या पेस्ट पेस्ट तो नहीं है सर, कोई एक लेआउट पे जाइए, कोई एक बोलो, कोई एक, मैं सभी से नहीं मिलता, मैं पार्टिकुलर पर्सन से पूछता हूँ मैं। मुझे बताओ यहाँ पे महेश्वर मुखिया जी, हाँ महेश्वर, मुझे ये बताओ कि मैंने आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से, महेश्वर अनम्यूट करो अपने पास से, क्या बात है, इनको जवाब नहीं देना है, कोई बात नहीं। तो
तो यहाँ पे पहले मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को। मुझे यहाँ पे बताओ, जैसे यहाँ पे चैतन्य चावन, चैतन्य मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, यहाँ पर जो पेपर साइज है, अब वो अपने पास अब कोई अनम्यूट नहीं कर रहा। देखो मैं जिसको भी अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से म्यूट नहीं कर रहे हैं। अखिलेश कुमार आप बताओ मुझे, अखिलेश मेरा कौन कर दिया है? मुझे बताइए कि पेपर साइज कौन सा है। A4 साइज है सर। कैसे पता करेंगे सर? व्यू टैब में जाकर। व्यू टैब में क्लिक कर दिया सर, यहाँ पे है ना पेज सेटिंग पे है सर, यहाँ पे पेज सेटअप, पेज सेटअप है, प्रिंट, हाँ प्रिंट पेज पे, प्रिंट पेज सर, ये प्रिंट पेज सर, ये वाला, हाँ सर, इस पे तो ऑलरेडी क्लिक है, इस पे पहले से। जब अगर हमें चेक करेंगे पेपर साइज, अब कहीं तो लिखा हुआ आएगा कि हाँ A4 साइज है, तो ये तो ऑलरेडी सर उसके बगल में, उसके बगल में सर ये, चलो और चलो आपका आपका आंसर गलत है, इसमें कहीं नहीं होता है पेपर साइज। चलिए और किसी से पूछता हूँ, यहाँ पूछता हूँ मैं खुशी से पूछता हूँ, इनका क्वेश्चन ज़्यादा हुआ है अभी तक मेरे पास, जब तक जब भी वीडियो यहाँ पे क्लास होती है तो। हाँ आप बताओ मुझे कैसे पता करेंगे कि A4 साइज है? खुशी सर लेआउट में क्लिक कर दिया, और सर साइज में, साइज पे क्लिक किया सर, इसमें पता चल जाता है यहाँ पे A4 पे क्लिक है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इस पे क्लिक है, हाँ पहले से क्लिक है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा A4 है। ठीक है, महेश्वर मुखिया जी लिखा है कि मेरा नाइट ड्यूटी है, कोई बात नहीं महेश्वर, कोई दिक्कत नहीं है, और कभी पूछ लेंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पे ना, मुझे मैंने इसका प्रिंट पे एक बार हो गया, मैं डिजाइन में गया और यहाँ पे इसका पेज का कलर मैं चेंज कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रीन, मुझे ये पेपर प्रिंट करना है, तो जब मैं इसका प्रिंट पे चेक कर रहा हूँ ना, मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया कीबोर्ड से, कंट्रोल F2 प्रेस किया, ये हमारा के प्रिंट पीव, तो प्रिंट पीव में कलर नहीं आ रहा है। तो पहले चीज़ तो मैं सभी को बता दूं कि कलर जब भी हम पेज का कलर चेंज करते हैं तो प्रिंट नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे ना कलर करके प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट होगा कौन बताएगा? अगर सर पेज सर कोई बता सकता है, किसी को आता हो? मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है सर, पेज कलर में करते, पेज कलर में तो कलर मैंने चेंज किया हुआ है पहले से, कलर तो लगा ही रखा है मैंने, कलर आ कहाँ रहा है? देखो मैं इसका प्रिंट भी चेक कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल F2 कर गए, कलर नहीं आ रहा है, कलर कैसे आएगा कोई बता सकता है? थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने, मैंने तो बताया है, मुझे तो याद है अभी तक। प्रिंट करते समय सर कलर, हाँ स्टेप बताओ मुझे करना क्या है, किसी को अगर आता होगा तो मुझे स्टेप बता दो, मैं वही वैसे ही करते रहूँगा यहाँ पर। सर प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, प्रिंट प्रीव्यू में, तो मैं तो प्रिंट प्रीव्यू में आ गया, लो ये देखो आ गया प्रिंट प्रीव्यू में, क्या करना है? ये सर पेज सेटअप है, ठीक है पेज सेटअप पे क्लिक कर दिया, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ, नॉर्मल पे, अरे ऐसे मत करो ऐसे, सर गटर है उसमें जाएंगे, वो तो मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए होता है, मैं मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मेरा क्वेश्चन है कि ये मैंने यहाँ पे कलर किया है लेकिन यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है, ये देखो कलर कैसे आएगा? ठीक है उसके लिए है, गटर में जाके, हाँ यहाँ पे गटर मार्जिन में, ये लो मैं आ गया, तो यहाँ यहाँ पे कलर का ऑप्शन कहाँ होता है? ये तो होता है कि जो हमने मार्जिन लगा रखा है ना, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा और मार्जिन देना उसके लिए होता है, कलर कलर क्वेश्चन कलर ग्रिड ग्रिड से हटा देंगे तो, ग्रिड जी ग्रिड का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, ग्रिड तो वो तो उसके लिए होता है कोई, जब सेप वगैरह पे काम करते हैं पिक्चर और सेप पर, उसके लिए होता है वो, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, चलो नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछा है तो मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर कर दिया नो कलर। कलर लाने के लिए ना, अगर मुझे कलर प्रिंट करना होगा पेज के ऊपर, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे हम, मैंने आपको कवर पेज बताया था, सेम ऐसे ही बनेगा, दो टेक्स्ट बॉक्स और पेज का साइज चलो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, तो कलर आपको प्रिंट करने के लिए इंसर्ट पे जाना है और टेक्स्ट बॉक्स में जाकर के एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है ये मैंने बना लिया, और इसमें कलर डाल दो फॉर्मेट में जाकर के,
सेफिल और ग्रीन कलर जो मैंने अभी लिया था, ये देखो। ठीक है, अब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज में कलर आ चुका है, आ गया। यस सर। हाँ, तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देखो जो आपने किया हुआ है ना, जो मैंने सिखा रखा है, मैं उसी में से क्वेश्चन करूँगा मैं, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैं करूँगा वो आता है प्रैक्टिस करने के बाद, है आपको आता है, आपको विश्वास भी है कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। अब ये देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ना, मैं गया इंसर्ट में, हीरो फुटर तो सबको आता होगा ना। यस। हाँ, हीरो फुटर पेज नंबर, तो मुझे यहाँ पे ना हीडर में टाइप करना है महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पे पेज नंबर भी दिखाना है। अब मुझे दिखाना है तीन पेज में, तो ऐसा करता हूँ, मेरे पास अभी एक ही पेज है, तो मैं यहाँ पे दो पेज और ले लेता हूँ, एक दो, मैंने दो बार क्लिक कर दिया और यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखा देगा, तीन पेज है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे हीटर में क्या दिखाना है, ऊपर में कंप्यूटर सेंटर का नाम और यहाँ पे दिखाना है पेज नंबर वन। जब मैं दूसरे पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर का नाम आएगा जो मैं हीटर में दूंगा, और यहाँ पे आएगा पेज नंबर टू, यानी कि हीटर और पेज नंबर दोनों एक साथ लगाना है। कैसे लगेगा मुझे स्टेप बताओ, मैं क्लिक करूँगा सिर्फ। ठीक है, टाइप वगैरह मैं खुद ही करूँगा, क्या करना है बताओ, कौन बताएगा, छोटा सा क्वेश्चन। समझ में क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ बताओ, करना क्या है, बहुत जल्दी जल्दी, कोई बोलते नहीं, कोई इतने सारे कोई। सर पहले हीडर मान लो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर पूरा नहीं हो, पूरा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो कुछ तो आएगा। हेड मैंने सर पहले हीडर लगाएंगे, मैंने इसमें दो चीजें पूछा है, टाइटल मतलब हेडिंग टाइप करना है, पेज नंबर लगाना है, तो जिसको मतलब टाइटल ही आ जाए कुछ तो आएगा, पहले कोशिश तो करो। हाँ, हीडर पे क्लिक कर दिया, इसके बाद सर हीडर लगा के फिर पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। सर नीचे स्क्रॉल करो सर, यहाँ पे टाइप कर दूँ। यस हीडर, ये लो टाइप कर दिया। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, सर पेज नंबर क्लिक, नहीं सर ये कैंसिल कर दो, हीडर पे जाओ, डिजाइन पे जाकर इसे कैंसिल कर दूँ। हीडर पे तो जाओ, इसे क्या करूँ, कैंसिल कर दूँ, बाहर जाऊँ इसे, कहाँ पे जाना है, हेडर पे जा, सो एक हेडर पे एक बार पहले से। हाँ आ गया, हेडर नीचे स्क्रॉल करो, कहाँ पे जाओ, इसमें जी सर नीचे स्क्रॉल करो, उसमें स्क्रॉल करूँ। ठीक है, हाँ कौन सा लेना है, यही पर पेज नंबर का है कहीं तो, ये वाला पेज नंबर वाला सर ये। हाँ सर वो, हाँ मुझे यही पेज नंबर चाहिए। हाँ क्लिक कर दूँ इस पे, कर दो सर। ठीक है, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए, चलो क्लिक कर देता हूँ, चला गया वो वो चला गया, चलो कोई नहीं, आप ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो बताना मेरे को, मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लोगों को बताया हुआ है पहले से ही। ठीक है, चलो और पूछता हूँ मैं यहाँ पर, क्या बोर तो नहीं हो रहे हो आज मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए कहीं क्या पता बोर हो रहे हो। नो सर, नो सर। हाँ मैं क्वेश्चन ऐसे ही करूँगा जो मैंने बताया तो है, लेकिन आप लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट का टाइमिंग आ रहा है, ये डिस्काउंट होने वाला है, ये 40। सर ऐसा क्यों, कहाँ पे, ये 40 मिनट हो गया है ना, ये डिस्काउंट होने वाला है, कोई बात नहीं दोबारा कनेक्ट कर लेना। हाँ मैं अब पूछता हूँ आपसे, देखो यहाँ पे जो पेज बॉर्डर दिया हुआ है ना, मुझे यहाँ पे तीन लाइन का पेज बॉर्डर चाहिए, तीन लाइन का, कैसे करेंगे, तीन लाइन का पेज बॉर्डर चाहिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, ये आ रहा एक लाइन का, ये ट्रिपल लाइन होना चाहिए, ट्रिपल लाइन, आता किसी को, जी सर ट्रिपल लाइन का बॉर्डर चाहिए, मैंने सिंगल लाइन का लगा रखा है, यहाँ से पेज बॉर्डर से मैंने ये लगा रखा है, मुझे तीन लाइन का बॉर्डर चाहिए सर, बॉर्डर में जाएंगे,
हाँ क्लिक कर दिया मैंने सर, कस्टम में कस्टम पे सर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, वहां पर ही है। कहाँ पे? वहां पर ही है, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा नीचे थोड़ा। किस वाले ऑप्शन में? ऑप्शन का नाम बताओ। स्टाइल में, स्टाइल स्टाइल में, स्टाइल में ठीक है। हाँ ये दिया भाई। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कोई फोटो लेके आता हूँ। चलो क्वेश्चन मेरा समझ लो। यहाँ पे मुझे एक फोटो लेके आना है और उसके ऊपर नाम टाइप करना है। स्टेप बताओ कौन बताएगा। एक फोटो, कोई भी एक फोटो लेके आना है, उसके ऊपर नाम टाइप करना है फोटो के बीच में। पहले सर फोटो लाइए। ठीक है फोटो ले आता हूँ मैं, कोई भी कहीं से भी। पिक्चर मैंने यहाँ पे एक फोटो ले लिया, कौन सा ये ले लिया, फोटो ले आया। इसके ऊपर नाम टाइप करना है। उसके लिए सर टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स लेना पड़ेगा। क्या करना बताओ, क्लिक बताओ कहाँ करना है। ये टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स लेना पड़ेगा, क्लिक कहीं पर नहीं करना पड़ेगा। कहाँ पे क्लिक करना है? इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे, हाँ कर दिया। इंसर्ट टैब पे टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स, दो में से एक को लेना पड़ेगा। ठीक है शेप्स ले लो सर, वहाँ से शेप ले लो। रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल शेप। ठीक है लिख दो, यहाँ पे बना दो। हाँ वहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट। हाँ शेप्स के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट। ये कलर नहीं आना चाहिए, कलर बैक साइड में आ रहा कलर। इसके पास कलर को हटाना पड़ेगा, वहाँ पर शेप फिल है, वहाँ ऑप्शन पे जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब से। ठीक है क्या करना? फॉर्मेट टैब से शेप फिल, नो फिल। हाँ सही है सर, बिल्कुल सही आंसर। नीचे आउटलाइन है, वहाँ पर जाना पड़ेगा शेप्स आउटलाइन को हटाना। सही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, डिजाइन में जा सके। और ये मैंने ऐसे कर दिया नो। ये कौन चिल्ला रहा है भाई? कहाँ से आ रहा आवाज? ये विवेक कुमार सिंघा। चलो और पूछता हूँ यहाँ पर। एक साथ यहाँ पे मुझे 10 पेज देखना है, 10 पेज एक साथ। ब्लैंक या सर टेक्स्ट वर्क? जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अभी कितना पेज मेरे पास, एक ही पेज है। तो मैं 9 बार इस पर क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है मैं जाता हूँ फर्स्ट पेज पे और मैं यहाँ पे साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है मैंने 1 टाइप किया, फिर यहाँ पे आगे मैं दूसरे पेज पे ये ऐसा करता हूँ ना। देखो पहले पे 1 टाइप किया हुआ है, ठीक है मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। कौन बोल रहा है? दूसरे पे 2 टाइप किया, तीसरे पे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने 10 पेज यहाँ पे लिया है और 10 पेज पे नंबर टाइप कर दिया मैंने। ठीक है तो आपको ये बताना है 10 पेज हम एक साथ कैसे देख पाएंगे स्क्रीन पर यहाँ पे। सर 10 पेज एक साथ कैसे देखेंगे? सर व्यू। हाँ क्लिक कर दिया और मल्टीपल पेज, तीन ही आ रहा है। कैसे लाएंगे? आया ना मिसू, यहाँ पे इसका साइज छोटा कर देना, वो जो ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज छोटा कर देना, व्यू परसेंटेज आ जाएगा एक साथ, हम कितने भी पेज ला सकते हैं एक साथ। ठीक है ये देखो ये सारे पेज एक साथ आ गए। ठीक है अच्छा, इसमें से ये तीसरा पेज हटाना है,
एक के बाद दो, दो के बाद सीधा चार दिखाना है, कैसे कैसे होगा, कौन बताएगा इसके बारे में? स्टेप बता दो बस, मैं कर यहाँ पे कर दूंगा। बताओ कोई तो बताओ, आठ लोग होगा अभी, नौ लोग। ये तीसरा पेज हटाना है, वन के बाद टू, टू के बाद आना चाहिए यहाँ पे फोर। तीसरा पेज कैसे हटेगा बीच का? इसको डिलीट कर देंगे, ये नंबर सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करके क्या करते हैं? डिलीट है, करके डिलीट कर दिया। बहुत बहुत ही अच्छा आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कभी भी पेज हमारा डिलीट नहीं होता है, जो उसके ऊपर कंटेंट जो होता है उसको हम डिलीट करना पड़ता है, ठीक है? हमेशा याद रखना, कभी भी हमारा पेज डिलीट नहीं होता है वर्ड का। तो जो जिस पेज पे जो भी आपने कंटेंट टाइप किया हुआ है उसे डिलीट कर दो, उसे डिलीट कर दो। आवाज़ क्यों आ रही है? तो जिस पेज पे जो भी हमने कंटेंट टाइप किया हुआ है ना, जैसे ही उसे हम डिलीट करेंगे पेज हमारा ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो वन के बाद टू, टू के बाद यहाँ पे फोर आ चुका है, ठीक है? सही है, चलो आज इतना ही करते हैं। और बाकी मैंने आज का वीडियो मैंने शेयर कर दिया, कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, देखना देख लेना और पीछे से आप पढ़ लेना एक बार। बाकी मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, और कल भी टेस्ट, कल ना मैं आप लोग काम दूंगा, कल कल मैं प्रोजेक्ट दूंगा, मैं आप लोगों को बनाना है और बना के मुझे सेंड करना है, ठीक है? जिनके पास कंप्यूटर है और जिनके पास मोबाइल है, तो शाम को क्लास मिलूँगा 5 बजे, तो उसमें आप जिनके पास फ़ोन है उनको टेस्ट देना होगा, जैसे मैं अभी पूछ रहा हूँ उनको टेस्ट देना होगा कल फ्राइडे को। और जिनके पास कंप्यूटर है मैं प्रोजेक्ट मैं सेंड कर दूँगा अभी कुछ देर बाद, या मॉर्निंग में सेंड कर दूँगा, मुझे शाम तक सेंड कर देना फिर, ठीक है? बना करके 5 बजे से पहले पहले, ठीक है? तो क्लियर है आज के लिए? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर MS वर्ड 7 में, अरे एक मिनट अभी पीछे से बोलते हैं आवाज नहीं आ पाती। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 में सर थंबनेल का एक ऑप्शन था। आप ऐसा करो ना, आप मुझे हैंड दो, हैंड दो अपना। हैंड दो किसका क्वेश्चन से? विवेक कुमार, विवेक कुमार आपका क्वेश्चन से क्या? यस सर। हाँ बोलिए सर। जैसे वार्ड 7 में एक थंबलिंग का ऑप्शन था, थंबलिंग, लेकिन 16 में वो नहीं था, नहीं है, वो किस कहाँ पर है वो ऑप्शन? थंब इसमें मिलेगा आपको, थंबलिंग, थंबलिंग इसमें मिलेगा ना नेविगेशन बार में, जो थंब होता है हमारा, आपको पता है उसका यूज क्या होता है? पेज को देखना है सर। हाँ एक साथ पेज को छोटा छोटा करके देखना, छोटा करके देखना एक साथ, तो वो यही होता है हमारा, ये जो नेविगेटर इसमें दिया है ना 2016 के अंदर नेविगेशन पेन के अंदर ये दिया हुआ है पेजेज, ठीक है? यहीं पे दिखा था वो थंबनेल, थंब, ठीक है सर। ऐसे ही खुल के आता है नेविगेशन, यहाँ पे खुल के आ रहा है नेविगेशन, उसमें आपका खुल के आएगा आपका 7 में थंब, थंबनेल्स, ठीक है? ठीक है सर। हाँ यही वाला ऑप्शन है नेविगेशन वाला। चलो और वो किसी को तो डाउट नहीं है ना, हैंड दे सकते हैं। तो एक बार मैं सभी को एडमिट कर देता हूँ क्योंकि आज क्लास यहीं तक एंड करेंगे। क्लियर है आज का टॉपिक जो भी मैंने पूछा और बताया? यस सर। इंटरनेट के बारे में कुछ क्वेश्चन था। हाँ बोलिए मैं बता दूंगा, बोलिए। जो सर लिंक है फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम का, मैं कहीं पर भी उसको डालना चाहता हूँ, लिंक जो होता है, तो लिंक डाल सकते हो आप, उसमें करना क्या है? नहीं सर, उस लिंक को हम कैसे निकाले? खुद का लिंक कॉपी कर लो ना, खुद का लिंक ना। तो लिंक आप जैसे मान लो वो तो सर पेज ओपन हो जाएगा ना, फिर पासवर्ड कहाँ दिखाना, कहाँ पर आपको लिंक? जैसे मैं YouTube में डालना चाहता हूँ और कहीं पे भी। हाँ हाँ देखो आप पता क्या करोगे, जैसे देखो ये मेरा चैनल का लिंक है, आप पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेना, यहाँ पर लॉगिन कर लेना, ठीक है? और मेन पेज अपना ओपन कर लेना, ठीक है? मेन पेज ओपन कर लेना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने YouTube ओपन किया ये वाला, ठीक है? मैंने यहाँ पे सर्च किया लिंक, तो आसान से जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस, तो ये लिंक आएगा मेरे चैनल का, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, ये आ गया चैनल का, चैनल आ गया मेरा। तो अब मुझे किसी ने कहा कि मुझे अपने चैनल का लिंक दो, तो जो भी हम पेज ओपन करते हैं ना, तो लिंक ऐसे तो ये पूरे इसका लिंक कॉपी करने के लिए ना यहाँ पे हेडिंग पे राइट क्लिक करना,
और यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस। लेकिन जो आप अपना पेज खोलोगे यहाँ पे फेसबुक का, तो ये जो दिया हुआ ना एड्रेस बार, यहाँ पे क्लिक करके यही होता है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, नहीं। देखो बारह होगा। देखो मैंने अपना YouTube चैनल यहाँ पे ओपन किया टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस YouTube में सर्च करके, तो ये इस चैनल का किसी को लिंक मुझे देना है, तो यहाँ पे देखो जहाँ लिंक जहाँ भी होता है ना तो उसके ऊपर हैंड आता है ये देखो, तो राइट क्लिक करके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी लिंक एड्रेस। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे फेसबुक का पेज ओपन करोगे ना, फेसबुक का या ट्विटर का, तो लिंक आपको देना होगा ना, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एड्रेस बार से। ये देखो यहाँ से ये आ गया, राइट क्लिक करना यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है, और जहाँ भी दिखा रहा हूँ पेस्ट कर देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन था सर। हाँ जैसे मुझे किसी की ड्राइव में कुछ भेजना है, क्या क्या कैसे दोबारा बोलना? ड्राइव में गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में किसी को कुछ भेजना है जैसे विंडोज कोई सॉफ्टवेयर? हाँ भेज सकते हो, भेज सकते हो, भेज सकते। कैसे सर भेजेंगे? मैं दिखा देता हूँ कैसे भेजोगे, मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे भेजोगे। मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं गूगल ड्राइव में सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपना ऐसा करना, यहाँ टाइप कर देना गूगल में गूगल ड्राइव, ठीक है, साइन इन पे क्लिक कर देना। देखो लो ये ड्राइव खुल गया हमारा, ठीक है, देखो ड्राइव खुल गया। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी बड़ी फाइल हो, 1 GB 2 GB 3 GB है ना, आप अपने गूगल ड्राइव के अंदर मैक्सिमम 15 GB तक आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी के पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है ना 15 GB यूज, और मैंने अभी तक यहाँ पे 6.5 GB यूज कर चुका है। तो न्यू पे क्लिक करके और फिर आपको यहाँ पे देखना है कि अपलोड क्या करना है, आपको कोई फोल्डर अपलोड करना है, फाइल अपलोड करना है तो कर लेना, ठीक है। और सर किसी और की ड्राइव में हमको पढ़ाना है सेंड करना है तो किसी और का ड्राइव में ना, तो इसे लिंक सेंड कर देना, उसी उसका ड्राइव में ही खुलेगा वो, किसी को ड्राइव में सेंड करना है ड्राइव में, किसी की ड्राइव को एक्सेस करके उसको भेजना होता है ना? नहीं अपने ड्राइव से अगर भेजोगे आप उसके, देखो उसका ड्राइव में अगर डालना होगा तो पहले तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा पहले यहाँ पर आपको सिस्टम पे, अपने उसका ईमेल आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपका लॉगिन, जैसे मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे न्यू में क्लिक करके अपने कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो अगर किसी दूसरे के ड्राइव में डालना होगा तो लॉगिन कर लेना, या फिर अपने ईमेल आईडी से सेंड कर देना आप अपलोड करके, तो वो तो आपके ड्राइव से जाएगा उसके ड्राइव में, ठीक है। मेल भी कर सकते हो आप? नहीं सर, एक फ्रेंड है तो मेरी ड्राइव में वो भेज रहा है, पहले मुझे एक्सेस करना पड़ा है उसकी, क्या भेजा थे पता नहीं, नहीं जो भी होता है वो मेरे ड्राइव में सीधा भेज, वो आपका ड्राइव में नहीं आता है, वो खुलता ड्राइव के अंदर ही है, वो ड्राइव में नहीं आता, खुलता ड्राइव में है वो। जो भी फाइल भेजते हैं ना आप यहाँ से, जो भी फाइल भेजोगे ना ये ड्राइव में ही खुलेगा उसके। जैसे यहाँ पे मैं अपलोड करके इसका लिंक मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ये पहले से अपलोड है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए पहले की फ़ोटो, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले के, ये देखिए कंप्यूटर सेंटर का है, देख रहे हो? नहीं सर, देख रहा हूँ। हाँ ये हर न्यू ईयर को पार्टी करते हैं ना हम लोग वहाँ पर, ये सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे टोटल, ये साइड में कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये सजा हुआ है पूरा कंप्यूटर सेंटर। चलो छोड़ो, तो बहुत पुराने बात है, लॉकडाउन से पहले का है। सॉफ्टवेयर कहाँ इसके अंदर, सॉफ्टवेयर मेरे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, मान लेते हैं कि ये जो फाइल है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये आपको भेजना है उसके ड्राइव में, तो इस पर राइट क्लिक करना,
पहले अपने पर अपलोड कर लेना आप यहाँ पे न्यू में जा करके राइट क्लिक करना और ये लिखा हुआ है गेट लिंक इस पर क्लिक कर देना ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिंक आ जाएगा, चालू फाइल का लिंक आ जाएगा, ये आ गया ठीक है। यहाँ से करना कॉपी लिंक और जिसको भी आप भेजोगे चाहे आप ईमेल से भेजो या कैसे भी भेजो व्हाट्सएप पे भेजो ये उसके गूगल ड्राइव में ही खुल ठीक है। हाँ ये जो कॉपी लिंक हो गया यार किसका बजा रहा है। तो यहाँ से कॉपी करके जिसको भी आप भेजोगे चाहे आप मेल से भेजो या व्हाट्सएप भेजो या कैसे भी भेजो ये खुलेगा उसके ड्राइव में ही, कहीं और नहीं खुलेगा ठीक है। ठीक है हाँ तो यही लिंक होता है, तो ये गूगल ड्राइव का लिंक आपका गूगल ड्राइव में ही खुलता है, कहीं और नहीं खुलेगा वो। चलो और कोई डाउट है? क्या हुआ कोई बोल नहीं रहा है, कोई तो बोलो, सभी म्यूट है क्या? सभी तो सर, हाँ सर, लूप और नल वैल्यू क्या होता है? नल मतलब बिल्कुल नील कुछ नहीं होता वहाँ पे, जीरो होता है वो, नल मतलब कुछ भी नहीं। और लूप, और लूप, लूप तो कंटिन्यूसली होता है, मतलब लूप जो चलता रहता है हमेशा, वो रुकता ही नहीं है। हाँ लूप जो है कि हम एक बार लूप लगा देते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूस चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है वो ठीक है। बंद नहीं होता कभी, कहाँ से है ये तो बताओ, लूप किस में से है? मतलब आप प्रोग्रामिंग से पूछ रहे हो, वेब डिजाइनिंग से है या एक्सेल से है, किस से है? सर प्रोग्रामिंग से। हाँ प्रोग्रामिंग से लूप है, लूप आप एक वीडियो देखना मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। प्रोग्रामिंग में कौन सा प्रोग्रामिंग, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस, कौन सा है? सर जावा है, जावा है। तो जावा में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है लूप का ठीक है, तो मैं आपको अभी कंप्यूटर ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, देखना कि मैंने जावा के अंदर लूप कैसे लगा रखा है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने लूप जावा में ठीक है। तो एक बार आप देखना आपको अच्छा लगेगा काफी, लूप क्या होता है और कैसे यूज करते हैं जावा में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मैसेज होने के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है। और कल आप लोगों का टेस्ट है, याद रखना जिनके पास कंप्यूटर है, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो उनका मैं टेस्ट लूंगा ऑनलाइन यहाँ पे ठीक है। चलिए तो आज के इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स मैसेज होने के लिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। बेसिक का एग्जाम होगा? हाँ बेसिक का होगा, जो पढ़ा है उसी का होगा। ओके बाय, गुड नाइट।